हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू वी लॉग। तो अभी मैं अपने दोस्त के यहाँ पे जा रहा हूँ, उसके पास एक प्यारी सी चीज़ है, कहता है कि देखने आ जा, और वो ही मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो व्लॉग काफी अच्छा होने वाला है, तो देखना, लास्ट तक देखना, मजा आएगा। तो अभी चलते हैं उसके घर पे, चलते हैं। तो भाई के घर का रास्ता वो इतना टफ है, यहाँ से नीचे देखेंगे। सचिन, सचिन आंटी? हाँ, नहीं है। इसे देखो, 11 बजे बुलाया था मैं घर पे, और अभी 1 घंटा वेट किया भाई। 11 बजे बोला था भाई, मैं यहाँ 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। 11:30 पे आया मैं, 11 बजे आया। 11:30 अभी टाइम कितना हो रहा है देख, अभी देख, अभी देख टाइम कितना हो रहा है, 12 बज गए। पूरे 1 घंटे वेट करा। खैर, इनसे मिलिए, ये मेरा दोस्त सचिन। नितिन भाई कहाँ? अच्छा, तो जी मिलिए आज की कहानी के हीरो से। टाटा, ये यार इसकी कहानी देखो कितना प्यारा है। पहले ये देखो, तेरे को कहाँ मिला है? कहाँ पे? ये आवाज देखो कैसे कर रहा है। देखो सचिन बता इसके बारे में, सचिन बताएगा। ये हमें मिला कल शाम को 4 बजे, जब हम सब सोए थे, लेकिन हमारा जो सिम्बा है, अभी सिम्बा को दिखाएंगे। हाँ, अभी सिम्बा को दिखाएंगे। सिम्बा है इसके पास, तो एक प्यारा सा सिम्बा, इसका दोस्त। वो काफी देर से भौंक रहा था, मतलब भौंके जा रहा था। तो हुआ ये कि हम बाहर आए, तो हमने देखा कि एक नया मेहमान उल्लू का बच्चा है, एकदम चुपचाप बैठा है, और सिम्बा इसको देख के भौंके जा रहा है। ये क्या मतलब, चोट वोट लगी थी क्या इसको? नहीं, ये अभी बच्चा है। हाँ, तो ये अभी बच्चा है ना, ये उड़ नहीं पाया शायद, तो यहाँ पे आ गया। ये शायद से बैडिया। खैर, तो अभी तुमने खिलाया पिलाया कुछ? हाँ, इसको हमने अंडा खिलाया, टमाटर खिलाया। सही, तो अब जैसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा भाई, ये देखो देख रहा है, ये एक अजीब सी साउंड निकाल रहा है ना, शायद से डर रहा है, तो इसलिए। रुको रुको, इसे हमें रख देते हैं पहले, रुक जाओ रुक जाओ। इसका नाम रख देता कुछ, वैसे ये बड़ा हो जाएगा जब भी थोड़ा, कुछ कितने दिन में? 4-5 दिन। हाँ, तो फिर इसे उड़ा देंगे। खैर, बहुत प्यारा है। खैर, अभी आवाज ही निकाल रहा है यार। भाई ये कितना वो होगा, कितना बड़ा होगा? उल्लू तो बहुत बड़े होते हैं देखा जाए तो, है ना। खैर, अभी इसे थोड़ा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर हम इसके इसको उड़ा देंगे उसके बाद, है ना। क्योंकि अभी इसको बाहर छोड़ेंगे तो बिल्ली या कोई भी। सिम्बा, सिम्बा को बांधा है तूने? सिम्बा को बांधा है। अभी सिम्बा को मिलाते हैं आपको। अंडे खाएगा, अंडे अंडे खाएगा। हाँ, बोल रहा है अंडा ले, अंडे खाएगा। आवाज देखना, अभी इसने आवाज निकाली, देखो टक टक। अभी मेरे हाथ ना पकड़ ले। खैर, ये देखो, ये नितिन भाई का रूम है, मतलब सचिन के बड़े भाई का। कितना मस्त रूम बना रखा है, शिव जी की फोटो पेंटिंग, ये देखिए, और ये वॉल देखिए कितनी सही लग रही है। तो यहाँ पे हमारा चुटकू। आजा आजा आजा, सही रूम है, मस्त। अभी तो वैसे लाइट गई हुई है, मैं सोच रहा था लाइटिंग के साथ पूरा दिखाऊंगा, मस्त लगता है, बट अभी तो लाइट है नहीं। और अभी हम इसे अंडा खिलाएंगे, अंडा खाएगा, फिर से हाथ में आएगा, देखो आवाज निकाल रहा है। फिर आजा 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 आजा, डर मत, मैं खुद डर रहा हूँ। वहाँ देखो, से हाय। अरे हाय बोल, ये और मैं इसे ना नीचे रख देता हूँ, ये ना मुझे बहुत डर आ रहा है। मुझे देख रहा है, देखो इधर देख, इधर वहां देख, वहां देख, अरे वहां देख, दिल उल्लू दुपट्टा है। अभी से खिला दे, खा ले,
मस्त है यार, मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई उल्लू। तू उल्लू देखा ही नहीं? हाँ एक देखा है। दो 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 उल्लू यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। खैर सचिन को तू मेरे किसी व्लॉग में आया? हाँ बॉजी बना वाले में आया था। तो नितिन भाई तो आते रहते हैं, जिसके बड़े भाई हैं नितिन भाई, उनको तो देखा हो आपने मेरे व्लॉग में। और है अंडा खाऊंगा अंडा पूरा खा जाऊंगा अंडा। जिस दिन इसे उड़ाएंगे ना उस दिन भी हम वो करेंगे दिखाऊंगा। हाँ उस दिन व्लॉग बनाएंगे, उस दिन दिखाएंगे। खैर अब इसे खाने देते हैं, अब मैं आपको सिम्बा से मिलाने चलता हूँ। ये मिलिए हमारे सिम्बा से भाई। हाँ भाई ना गया, कैसा लग रहा ठंडा भाई? वैसे तो यार मुझे कुत्ते बड़े पसंद है, बट मुझे बड़ा डर लगता है पास जाने में, और अभी मुझसे इतना ये फ्रेंडली है नहीं, तो मुझे काट वाट ना दे। किसी को नहीं काट है सिम्बा काट नहीं। अरे वाह, तो इसकी खासियत प्यारा है, जर्मन शेफर्ड है ना है? सही यार। तो जब जब इसके सामने वो आया तो उसने वो नहीं किया, मतलब कुछ नहीं किया जब ये उल्लू है? सही सही, उससे दूर रहने का क्या रे अबे तूने वो बिपिन का कुत्ता देखा जो चाव चाव? वो बहुत सही है, प्यारा है। तो जी ये था हमारा सिम्बा, और उसका नाम तो अभी कुछ रख नहीं सकते। खैर अभी उसे उड़ाएंगे जब भी एक दो दिन में, तो फिर मैं वो व्लॉग भी दिखाऊंगा आपको। बाकी आज के लिए इतना ही था, अभी कुछ बाहर इधर उधर जा नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन वगैरह लगा है। जैसे खुलेगा अभी बोल रहे हैं 8 को, तो शायद खुलना चाहिए ना। हाँ 8 को खुलेगा लॉकडाउन, तो फिर देखते हैं कुछ व्लॉग आगे का। केदारनाथ, केदारनाथ के व्लॉग, बहुत सारी चीजें सोची हैं अभी। खैर और अभी हमारे गाने भी आने वाला है, मतलब सचिन के बड़े भाई नितिन भाई का, तो अभी उसका भी वेट है। बाकी जो भी कुछ भी होगा मैं आपको बताता रहूंगा। टिल देन अपना ध्यान रखें, टेक केयर।